हेलो फ्रेंड, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस साल आई सबसे बेहतरीन फिल्मों की। तो मैं इस साल आई सबसे बेहतरीन फिल्मों का चर्चा, उसके कमाई, फिल्म का परफॉर्मेंस के साथ साथ फिल्मों को लोगों के द्वारा कितना पसंद किया गया, किसकी चर्चा ज़्यादा रही, कौन सी फिल्मों की चर्चा ज़्यादा रही और किसके अभिनय को, किस एक्टर के अभिनय को ज़्यादा सराहा गया, इसका चर्चा करूंगा। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि फ्रेंड, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, आप सबको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और इस तरह का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल तो बहुत सारी फिल्में आई, साल के अंत की फिल्मों की मैं बात करूंगा। सूर्यवंशम आई, अंतिम आया, जो फिल्म खासा चर्चा में रही उसकी बात मैं करूंगा। उसके पहले देखिए, आपका आया था हंगामा 2 भी आया, बंटिया बबली 2 भी आया। 2 का तो रिवाज चल गया है पिछले कुछ साल से। फिर बहु विश्वास आया, पुष्पा आई, अभी साल के अंत में देखिए एक और अच्छी फिल्म आ गई आपको, अतरंगी रे। अतरंगी रे को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अलग विषय पर है, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रोगी की कहानी है। तो ये फिल्म भी कुछ खास वर्ग के दर्शकों को अच्छी लगी और चल रही है। लेकिन जिस फिल्म का मैं खास तौर से चर्चा करना चाहता हूँ वो है बॉब विश्वास। बॉब विश्वास पात्र कहानी फिल्म का एक पात्र था। तो उस कहानी फिल्म में बॉब विश्वास एक साइलेंट मर्डर था, मर्डर करता था। उसी पात्र को कहानी फिल्म से आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि कहानी फिल्म के पीछे जो कहानी उसका बॉब विश्वास को की कहानी थी, उस कहानी को पर्दे पर दिखाया गया। और निस्संदेह जो जो भी बॉब विश्वास पिक्चर देखे हैं, निस्संदेह अभिषेक बच्चन लाजवाब रोल किया है। अगर किसी को डाउट है तो डाउट नहीं होना चाहिए। अपने जीवन का सबसे बेहतरीन एक्टिंग किया है। इसके साथ ही अभिषेक बच्चन ने अपने शरीर को भी उसी अनुसार ढाला, उसमें अपना वजन को बढ़ाया और फिल्म का एक्टिंग इस लाजवाब ढंग से किया है कि दर्शकों का कोई भी दर्शक जो फिल्म को पसंद करते हैं, फिल्म देखना पसंद करते हैं, वो उसका तारीफ जरूर करेंगे। क्योंकि अभिषेक बच्चन एक बहुत ही जानदार एक्टर है, उन्होंने पहले भी कई फिल्मों में अपना एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जैसे आपको देखिए, गुरु फिल्म में बहुत अच्छा काम किया, जुबा भी में भी बहुत पसंद आया, बंटी बबली में जो अभिषेक बच्चन रोल किया वो दूसरा बंटी बबली में देखने को नहीं मिला। तो इस पर तो वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, बॉब विश्वास का रिव्यू किया हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए सूर्यवंशी की बात किया जाए तो वह एक मसाला फिल्म है। उसमें कुछ कोई खास एक्टिंग कोई ऐसा नहीं था कि कभी कोई देखा ही नहीं है, या कुछ ऐसा स्टोरी भी नहीं था कि जैसा स्टोरी आज तक आया ही नहीं है। ऐसा ऐसा इंस्पेक्टर की कहानी कई फिल्मों में आ चुकी है, सिंघम 1 2 में भी आया है, पहले भी आ चुका है कई फिल्मों में। तो कोई विशेष बात नहीं था, अंतिम में भी कोई कुछ विशेष बात नहीं था। और इस तरह के और भी राधे फिल्म आया, सब में वही पुलिस इंस्पेक्टर, वही क्राइम को क्रिएट करना। तो दर्शक भी समझ गया है। हालांकि सूर्यवंशी चला, सूर्यवंशी से बोर नहीं हुआ क्योंकि उसका उसका स्ट्रीमिंग अच्छा था और कहानी बांधे रखा। लेकिन वो रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह कार उड़ाना, इस तरह से एक बनाना, पुलिस का एक एक क्रिएट करना, कहानी क्रिएट करना और क्रिमिनल का एक कहानी क्रिएट करना, ये था। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्यवंशी के में अंत में अभिषेक अक्षय कुमार से ज्यादा फुटेज दिया गया अजय देवगन को। खैर जो भी हो, तो सूर्यवंशी के बाद अंतिम फिल्म आया वो भी तो बता चुका हूँ, वैसा ही था, कोई खास नया किरदार को नहीं ढाला गया। और उसके बाद लीक से हटके कोई पिक्चर आया तो बॉब विश्वास आया। बॉब विश्वास लीक के हटके था, इसका एक्टिंग भी लाजवाब था इसमें सभी किरदार का।
तो बॉब विश्वास को इससे अलग करता हूँ। बॉब विश्वास की कमाई भी छप्पर फाड़ के हो रही है, अभी भी इसका कमाई ओटीटी पर बहुत अच्छा है, करोड़ों में पहुंच रहा है। दूसरी बात, एक्टिंग के बात किया जाए तो इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभिषेक बच्चन को मिलना तय है, चाहे वो नेशनल अवार्ड हो या फिल्म फेयर का अवार्ड हो, जी सिने अवार्ड हो, कोई भी अवार्ड हो, अभिषेक बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, अब मिलेगा ही। दूसरी बात, अगर बात करें और फिल्मों की, तो पुष्पा साउथ की फिल्म भी अच्छी थी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसमें भी, अर्जुन अल्लू का अभिनय शानदार रहा और उसके नायिका का। और साल के अंत में अतरंगी रे आया, ये भी अलग मुद्दा पर बनाया गया अच्छी फिल्म है, जिसमें धनुष का एक्टिंग देखते बनता है और सारा अली खान का। तो ये सारा फिल्मों के बावजूद जो सबसे खास फिल्म है हमारे हिसाब से है, वो है बॉब विश्वास। बॉब विश्वास जैसा फिल्म था वैसा ही इसका कलेक्शन हो रहा है, वैसा ही दर्शकों पर इसका छाप है। और मैं समझता हूँ कि अभिषेक बच्चन विश्व की इसका फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर है और नेशनल अवार्ड का भी हकदार है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।